एक एग से एक ही स्पर्म फ्यूज कर सकता है, बाइंडिंग तो बहुत सारे कर सकते हैं, है ना, जैसे कि क्योंकि स्पर्मोफिलिक साइट तो बहुत सारी होती है, मान लीजिए 10 हैं, 15 हैं, जो भी हैं, बाइंड करेंगे स्पर्म, लेकिन उसमें से भी सिर्फ एक फ्यूज करेगा। तो ये प्रोसेस कैसे पॉसिबल है, पॉलीस्पर्मी को कैसे ब्लॉक किया जाता है? और अगर पॉलीस्पर्मी की बात करें तो पॉलीस्पर्मी से अगर मान लीजिए पॉलीस्पर्मी हो जाए तो क्या हो जाएगा? अच्छा, पॉलीस्पर्मी क्या होता है? एक्सेस ऑफ मल्टीपल स्पर्म, या मतलब कि मल्टीपल स्पर्म की एंट्री हो जाए एग के अंदर, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीस्पर्मी कहते हैं। और अगर पॉलीस्पर्मी हो जाए तो ये बहुत ही मतलब अजीब सा कॉन्सिक्वेंस होगा, जैसे कि प्लांट तो है नहीं, प्लांट में तो टेट्राप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी ये सब होता है, तो वो तो फायदा ही करता है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर एनिमल के केस में ऐसा हो जाएगा तो टेट्राप्लॉयडी पॉलीप्लॉयडी मींस की या तो डिवीजन प्रॉपर नहीं होगा, तो एबनॉर्मल स्पीसीज जनरेट होगी पॉलीस्पर्मी की वजह से। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए नेचर ने पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक करने के लिए कुछ मैकेनिज्म जनरेट किए हैं, ठीक है। तो पहला होता है फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी मतलब इसमें बताएंगे इसको फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी क्यों कहते हैं, और दूसरा होता है स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो अब हम लोग वन बाई वन पॉलीस्पर्मी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी की अगर हम लोग बात करें तो फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी का मतलब कि ये अचीव्ड होती है चेंजिंग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जब चेंज होता है किसका, एग का। ये सपोज एग है और एग के अंदर आपको पता है एग क्या है, एग एक सेल ही तो है, और इस सेल के अंदर आपको सेल के अंदर पता है कि किसी भी सेल के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये अंदर का नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या कहते हैं? रेस्टिंग पोटेंशियल, अगर आप लोग जानते हो, ठीक है। और ये रेस्टिंग पोटेंशियल में अगर नॉर्मली देखा जाए तो कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट, है ना। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है एग मेम्ब्रेन का, अगर इसमें कुछ अल्टरेशन हो जाता है तो क्या होगा कि मतलब कि फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होती है। एक्चुअली में ये क्या है? इलेक्ट्रिकल चेंज होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का चेंज होता है फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी में। तो ये कैसे अचीव होता है? अगर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो एग का है उसको चेंज कर दें, और ये ट्रांजिएंट ब्लॉक होता है, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तो थोड़े ही समय के लिए हम लोग उसको चेंज, मतलब जो भी इन्वायरमेंट है या नेचर है, चेंज कर सकता है, बहुत लंबे समय के लिए ये चेंज नहीं हो सकता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ट्रांजिएंट ब्लॉक, मतलब कि थोड़े कम समय के लिए ये ब्लॉक होता है। मतलब पॉलीस्पर्मी, जैसे मान लीजिए एक ये एग है और इससे एक स्पर्म ने फ्यूज कर लिया, तो दूसरा स्पर्म फ्यूज ना कर पाए, उसके लिए फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी बहुत कम समय के लिए अपना काम कर पाएगी। जैसे कि ये जो फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, जैसे ही एक एग ने फर्टिलाइज किया, एक स्पर्म ने फ्यूजन किया, वैसे ही 1 से 3 सेकंड के अंदर फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी शुरू हो जाती है, और ये पॉलीस्पर्मी लास्ट कब तक होती? 1 मिनट तक। अब 1 मिनट के बाद सपोज कि कोई स्पर्म आ गया तो फिर बाइंड हो सकता है, मतलब फिर फ्यूज कर सकता है। तो इसीलिए नेचर ने स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी रखा है। फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या है कि ये पॉलीस्पर्मी, ये जो मैकेनिज्म है, ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, और ये शुरू कब होता है? जैसे ही फर्स्ट स्पर्म जैसे ही सक्सेसफुली फ्यूजन करता है, वैसे ही 1 से 3 सेकंड के अंदर फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी शुरू हो जाती है, और ये पॉलीस्पर्मी ब्लॉक 1 मिनट तक रहता है। 1 मिनट के बाद ये ब्लॉक खत्म हो जाता है, मतलब कि अगर सपोज 1 मिनट बाद स्पर्म आ गया, बाइंड कर लिया, तो हो सकता है कि फिर से पॉलीस्पर्मी हो जाए। तो अब आपको कुछ यहाँ पे मेन पॉइंट ध्यान रखने हैं कि नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ एग, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, जो भी एग के अंदर क्या है, नेगेटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, तो ये फर्टिलाइजेशन कराता है, और पॉजिटिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ एग, नो फर्टिलाइजेशन। अगर किसी तरह से इस मेम्ब्रेन के अंदर का चार्ज पॉजिटिव कर दिया जाए तो स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाए।
तो आप आपको ये चीज क्लियर हो गई कि अगर ये एग मेम्ब्रेन है इसके अंदर अगर नेगेटिव चार्ज है तब तो फर्टिलाइजेशन स्पर्म कर पाएगा और अगर इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को चेंज किया जाता है और उसमें यही किया जाता है कि कैसे मेम्ब्रेन के अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाए पहले फर्स्ट स्पर्म के बाइंडिंग के फ्यूजन के बाद अंदर के मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या हो जाए पॉजिटिव हो जाए और जब पॉजिटिव हो जाएगा तो सेकंड स्पर्म फ्यूज नहीं कर पाएगा। पहले स्पर्म के बाद क्या कर दिया गया अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल पॉजिटिव किसी भी तरीके से हो जाए वो आगे मैकेनिज्म बता रहे हैं किस तरह से होगा। तो क्या होगा कि सेकंड स्पर्म बाइंड नहीं कर पाएगा जो एक स्पर्म ने बाइंड किया है वही फ्यूज करके आगे प्रोसेस करेगा। ये सिर्फ एक मिनट तक ही रहती है तो इसीलिए फिर स्लो ब्लॉक को रखा गया। अब फास्ट ब्लॉक में मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं ये क्या है ये एक डायग्राम के थ्रू ग्राफ के थ्रू समझाया गया है। मान लीजिए कि कोई मेम्ब्रेन जो एग की मेम्ब्रेन है उसका ये डायग्राम है एग की मेम्ब्रेन का ये डायग्राम है। इसमें क्योंकि फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी क्या है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पर डिपेंड करता है ठीक है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पे तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की बात की जा रही एग के मेम्ब्रेन की। तो मान लीजिए ये -100 ये -50 यहां पे अप्रोक्सीमेटली कितना होगा -70 मिलीवोल्ट। हमने क्या बोला था कि अगर एग के अंदर का जो पोटेंशियल है जो -70 होता है जिसको हम लोग रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं उस वो होगा तभी स्पर्म फ्यूज कर पाएगा। तो मान लीजिए ये अभी -70 चल रहा है अभी स्पर्म कोई अब यहां पे एक स्पर्म ऐड किया गया जैसे ही स्पर्म ऐड किया गया और स्पर्म ऐड करने के बाद जैसे ही स्पर्म एग से मतलब एग के अंदर एंटर हुआ जैसे ही स्पर्म एग के अंदर एंटर हुआ वैसे ही यहां पे देखिए क्या हो रहा है कि यहां पे उसके साथ साथ क्या हो रहे हैं कि जब जैसे ही फ्यूजन हुआ भाई स्पर्म का एग से फ्यूजन हुआ तो वहां पे एक होल बनता है और उस होल के थ्रू क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन हो कहां रहा है सी में हो रहा है और सी में तो सोडियम आयन बहुत है ठीक है। तो जब सी में सोडियम आयन बहुत ज्यादा है तो जैसे ही स्पर्म होल करता है क्रोसोम रिएक्शन के थ्रू विटलाइन एनवेलप में वैसे ही क्या होता है सोडियम आयन भी एग के अंदर चले जाते हैं वैसे ही सोडियम आयन भी अंदर जाएंगे। तो अब सोडियम आयन कैसा चार्ज है पॉजिटिव। अब एग मेम्ब्रेन के अंदर अगर सोडियम आयन जाएंगे तो क्या हो जाएगा जो नेगेटिव मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाएगी पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होगी तो ये मेम्ब्रेन हो जाएगी डीपोलराइज ठीक है। मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी डीपोलराइज क्योंकि यहां पे हाई अमाउंट ऑफ सोडियम आयन एंट्री ले रहा है एग के अंदर और इस तरह से फिर क्या होगा कि अब दूसरा स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि स्पर्म के फर्टिलाइजेशन की कंडीशन क्या है एग मेम्ब्रेन का नेगेटिव होना और एग मेम्ब्रेन नेगेटिव नहीं है ठीक है। तो जैसे यहां पे लिखा है बिफोर एडिंग ऑफ स्पर्म द पोटेंशियल अक्रॉस द एग मेम्ब्रेन इज -70 होता है लेकिन जैसे ही स्पर्म से एग का फ्यूजन होता है विद इन 1-3 सेकेंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन स्पर्म एंटर द एग द पोटेंशियल शिफ्ट पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाता है तो सेकेंड मतलब स्पर्म नहीं फर्टिलाइज कर पाएगा। ये जो ट्रांजिएंट शिफ्ट है यहां पे -70 से +20 तक जाता है ठीक है ये आपको याद रखना है। ये जो आपने देखा यहां पे जो ये हो रहा है ये कहां तक जाएगा +20 तक ठीक है। अगर +20 तक नहीं हुआ तो पॉलीस्पर्मी हो सकती है इसीलिए यहां पे देख गया है कि +20 तक शिफ्ट होना चाहिए अंदर का एग के अंदर का मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 से +20 तक होना चाहिए लेकिन ये कंडीशन सिर्फ 1 मिनट अवेलेबल है इसके बाद हो सकता है। तो फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी क्या करेगा इसमें 1 मिनट तक के लिए तो स्पर्म फ्यूजन नहीं कर पाएगा और अब इसके बाद तो ये हो गया ये सारा चीज सी में हो रहा है इसलिए यहां पे बहुत स्पेसिफिसिटी को क्रिएट करने के लिए ये फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होती है कि तुरंत का तुरंत किस तरह से पॉलीस्पर्मी को रोका जाए। इसके बाद अब ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को अच्छा ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद जो हमने अभी बताया है बस उसी को हम लोग यहां पे एक बार देख लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज इन एग मेम्ब्रेन
-70 मिलीवोल्ट। किसकी वजह से? मेम्ब्रेन के अंदर, जब हम लोग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे कि मेम्ब्रेन के अंदर एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है, के प्लस की वजह से होता है। ठीक है, अब ये वहीं पे आपको समझाएंगे कि के प्लस कैसे नेगेटिव चार्ज जनरेट कर पाता है। ठीक है, देयर बाय अट्रैक्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का अट्रैक्शन होता है। अब स्पर्म के ऊपर जब हम आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर बता रहे थे तो हमने बताया था कि वहां पे स्पर्म का, जब ये स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, स्पर्मेटिड से जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था तो वहां पे हमने कुछ चीजें बताई थी कि एसिडिक प्रोटीन को लॉस्ट कर दिया जाता है, एसिडिक प्रोटीन को लॉस्ट कर दिया जाता है, बेसिक प्रोटीन को सिर्फ रखा जाता है। ठीक है, तो अब ये बेसिक प्रोटीन किसकी वजह से होंगे? ऐसे अमीनो एसिड जिनके पास पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे कि लाइसिन, आर्जिनिन, है ना, तो ऐसे अमीनो एसिड स्पर्म के पास है, इसलिए स्पर्म के ऊपर, स्पर्म की सरफेस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए एक तो ये भी अट्रैक्शन का रीजन हो गया कि क्या है कि स्पर्म की मेम्ब्रेन पर पॉजिटिव चार्ज और इसके जो एग होता है उस पर तो नेगेटिव है ही, तो ये रीजन होता है एक अट्रैक्शन का। ठीक, अब अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज स्पर्म ड्यू टू स्पर्म पासिंग, जैसे ही स्पर्म पास करेगा द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन का इनफ्लक्स हो रहा है कहां पे? एग मेम्ब्रेन में। जैसे ही स्पर्म ने इससे बाइंड किया, यहां पे होल हुआ होगा, है ना, जो फर्टिलाइजिंग एनवेलप बनता है, पैसेज बनता है प्रोन्यूक्लियाई को जाने के लिए, जैसे ही ऐसा होता है वैसे ही इनफ्लक्स होता है सोडियम आयन का, कहां पे? एग के अंदर। और वो कहां से आता है सोडियम आयन? ये आता है सी से। ठीक है, सी वाटर से आता है, मतलब कि एक तरीके से यहाँ पे जैसे ही इसका फ्यूजन हुआ तो कुछ सोडियम आयन चैनल्स भी खुल जाते हैं, और सोडियम आयन तो ओशन में बहुत ज्यादा बाहर होता ही है, वो अंदर एंट्री ले लेता है। जब ऐसा होता है तो कॉन्सिक्वेंटली द के प्लस आयन इफ्लक्स, अब उसको बैलेंस करने के लिए के प्लस आयन बाहर निकलते हैं, लेकिन जो के प्लस आयन, अब जैसे अब आपका क्वेश्चन होगा कि अरे सोडियम अंदर जा रहा है और के प्लस बाहर आ रहा है तो फिर तो मेंटेनेंस हो जाएगा, लेकिन बहुत लेस अमाउंट में। क्या होता है? बहुत लेस अमाउंट में सोडियम आयन, पोटेशियम आयन बाहर जाते हैं, लेकिन लार्ज अमाउंट में सोडियम आयन, क्योंकि ओशन में सोडियम आयन बहुत ज्यादा है, तो कॉन्सिक्वेंटली द के प्लस आयन इफ्लक्स टेक प्लेस, नाउ द सेल मेम्ब्रेन चार्ज बिकम पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन, जो कि लार्ज अमाउंट में अंदर एग के जा रहे हैं, और इनफ्लक्स जो पोटेशियम आयन वो बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, तो इसलिए क्या होता है मेम्ब्रेन के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और एट दिस मोमेंट, इस समय क्या हो जाएगा, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ एग नो मोर स्पर्म इज गोइंग टू बाइंड एग सरफेस, नहीं बाइंड कर सकते क्योंकि उसके सरफेस एग के अंदर कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। और कंडीशन क्या थी कि स्पर्म को एग से बाइंड करने के लिए एग के पास नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तो ऐसा नहीं हो पाता है, तो इसलिए क्या हो गया कि इसी को कहते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, क्योंकि तुरंत जैसे ही फर्स्ट स्पर्म ने मतलब कि फ्यूजन किया, वैसे ही 1 से 3 सेकंड के बीच में ये शुरू हो जाएगा, सोडियम आयन जैसे ही अंदर है तुरंत इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज हुआ मेम्ब्रेन का, एग मेम्ब्रेन का, और तुरंत फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो गई। लेकिन ये ट्रांजिएंट होती है, कुछ समय के लिए होती है, 1 मिनट तक रहती है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब यहीं पे वही बात लिखी है कि ये ट्रांजिएंट ब्लॉक है, द फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी इज ट्रांजिएंट सिंस द मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ सी अर्चिन एग रिमेन पॉजिटिव अबाउट 1 मिनट। 1 मिनट इसके बाद क्या? अब इतने कम समय वाला जो पोटेंशियल चेंज हुआ है ये सफिशिएंट नहीं है कि पॉलीस्पर्मी को ब्लॉक किया जाए, हो सकता है 1 मिनट बाद कोई दूसरा स्पर्म आए और वो फिर फर्टिलाइजेशन कर ले, तो इसके लिए फिर नेचर ने क्या लाया? स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ठीक है, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, हाँ लालिमा, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी डिपेंडेंट ऑन मेम्ब्रेन चार्ज कहिए, या आप इसको मेम्ब्रेन के, आप मेम्ब्रेन चार्ज मत कहिए, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहिए, एग का मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, और एग का मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है? -70 मिलीवोल्ट, जो कि क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और बट स्पर्म के सरफेस पे कुछ चार्जेस पाए जाते हैं, क्योंकि स्पर्म पे हमने बताया था ना कि उसमें बेसिक प्रोटीन सिर्फ रखे जाते हैं, तो कुछ उसके मेम्ब्रेन में चार्जेस पाए जाते हैं, इसलिए वो स्पर्म अट्रैक्ट होता है। तो स्पर्म का सरफेस चार्ज तो कहना सही है, लेकिन एग का क्या होता है? मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जो कि -70 मिलीवोल्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब इसके बाद
तो फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी सफिशिएंट नहीं है पॉलीस्पर्मी को रोकने के लिए, तो स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, ये सेकेंड मैकेनिज्म है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि फास्ट ब्लॉक अपना अलग चल रही है, स्लो ब्लॉक अलग चल रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वन बाय वन ही मैकेनिज्म है। पहले, सबसे पहले फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होगी, फिर स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी होगी, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। तो ये सेकेंड मैकेनिज्म हो गया। अब एक्चुअली में जो ये जो फास्ट ब्लॉक टू स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी है, इसको कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन कहा जाता है, और ये होती है परमानेंट ब्लॉक। ठीक है, इसीलिए इसको लाया गया, ये परमानेंट ब्लॉक है। तो अब ये क्वेश्चन होगा कि जब परमानेंट ब्लॉक यही था तो क्यों फास्ट ब्लॉक को लाया गया, इसी को सीधे शुरू किया जाता। इसका ड्रॉबैक ये है, ड्रॉबैक कहिए या जो भी कहिए, इसका ये है कि ये 20 सेकंड बाद शुरू होती है। ठीक है, अब मान लीजिए उस 20 सेकंड के ड्यूरेशन में कोई स्पर्म ने फ्यूज कर लिया, तो दो स्पर्म फ्यूज कर गए, तो इस वजह से क्या होता है कि स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी के पहले फास्ट ब्लॉक होगी, तो जल्दी जल्दी तुरंत मतलब पॉलीस्पर्मी को रोका जाए। पहले तो फास्ट ब्लॉक का काम क्या हो गया, तुरंत रोक दिया गया, और स्लो ब्लॉक का काम क्या हो गया कि परमानेंटली रोक दिया गया। तो यहां पे इसीलिए क्या, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी या कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन कहते हैं, या इसको परमानेंट ब्लॉक कहते हैं पॉलीस्पर्मी के लिए। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, आपको पता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एग इंक्रीज, हमने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है कैल्शियम आयन कुछ इंक्रीज होते हैं। अभी आगे हम इसका मैकेनिज्म बताएंगे कि कैसे इंक्रीज होते हैं। क्योंकि देखिए स्पर्म में कैल्शियम आयन इंक्रीज हुआ था तो वहां पे दूसरी चीज थी, वहां पे अदर मैकेनिज्म हो रहे थे। अब यहां पे एग के कैल्शियम आयन की बात हो रही है कि एग का कैल्शियम आयन इंक्रीज होता है। कैसे होता है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर से नहीं आता है, वहां तो क्या था स्पर्म के केस में तो कैल्शियम आयन सी से आ रहा था, लेकिन यहां पे जो एग है एग के अंदर ही ईआर में जो ईआर होता है उसी से कैल्शियम आयन रिलीज होके इंटरसेलुलर कैल्शियम आयन बढ़ता है। तो ये आप एकदम क्लियर कर लीजिए। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब स्पर्म ने, क्योंकि फास्ट ब्लॉक हो गई, फास्ट ब्लॉक के बाद ये फ्यूजन हो गया, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ वैसे ही क्या हुआ, इंटरसेलुलर कैल्शियम आयन बढ़ता है एग का, और ये जो कैल्शियम आयन है वो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस कि ये जो स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन है, इसका जो इनिशिएटर है वो कैल्शियम आयन है। मतलब कि ये परमानेंट कॉर्टिकल रिएक्शन जो होती है ये कैल्शियम आयन से मेडिएटेड होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्लोवर मैकेनिकल ब्लॉक। एक तरीके से यहां पे क्या होता है, वहां तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल चेंज किया गया, तो वो तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस की वजह से हुआ। यहां पे क्या होता है, यहां पे जो एग मेम्ब्रेन है यहां पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स, मैकेनिकल लिखा हुआ है ना, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स एग के चेंज कर दिए जाते हैं जो कि पॉलीस्पर्मी को रोकता है, ब्लॉक करता है। तो इसको इसीलिए कहा जाता है मैकेनिकल ब्लॉक, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी दैट बिकम एक्टिव, कब एक्टिव होता है, 20 to 60 सेकंड के बाद। इसका मतलब यह है कि अगर 1 to 3 सेकंड में फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी हो गई, फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी कब तक चलेगी, 1 मिनट तक चलेगी, और 1 मिनट के अंदर ही जब ये चली रही है तभी उसी के अंदर शुरू हो गई स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो एकदम जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ फास्ट और स्लो ने दोनों ने मिलकर उसको कवरअप कर लिया कि सेकेंड स्पर्म फर्टिलाइज ना कर पाए। ठीक है, तो अब इसके बाद यहां पे जैसे ये वाला हम लोगों ने यहां पे देखा था, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी के लिए ही को शो कर रहा है। मतलब जो हम लोगों ने फर्टिलाइजेशन देखा, तो फर्टिलाइजेशन में ये देखा ना कि ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज क्या शो कर रहा, स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी यहां पे हो रही। अब ये होती कैसे है, अब जैसे कि हमने पहला आपसे बोला कि कैल्शियम आयन बढ़ता है एग का, अभी अब हम लोग स्पर्म की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग एग की बात कर रहे हैं। हमने स्पर्म के केस में भी बताया कि कैल्शियम आयन इंक्रीज होता है, वहां उसका अलग काम था, वहां पे जो क्या बोलते हैं फ्लैजला था उसको मूवमेंट कराने के लिए, इन सब चीजों के लिए था। यहां पे एग में जो कैल्शियम आयन रिलीज हो रहा है वो बाहर से नहीं आ रहा है, वो कैल्शियम आयन एग के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही रिलीज हो रहा है। अब होता क्या है, जैसे एक्टिवेशन प्रायर टू स्पर्म फ्यूजन, जैसे ही स्पर्म
स्पर्म आया और स्लो ब्लॉक टू पॉलिस फास्ट ब्लॉक टू पॉलिस्पर्मी तो हो ही रही है, उसी के साथ साथ क्या हो रही है स्लो ब्लॉक टू पॉलिस्पर्मी भी 20 सेकंड के बाद शुरू हो जाएगी। तो उसमें होता क्या है कि एक रिसेप्टर आपको पता है वही EBR1, ये पे क्या रिसेप्टर है EBR1, EBR1 क्या होता है एक रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज होता है, आप लोग को इस रिसेप्टर के बारे में पता होगा। तो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज आपको पता है कि दो डाइमर मतलब कि डाइमर फॉर्म में होता है, दोनों अलग अलग यूनिट होते हैं, फिर जैसे ही ये इस मतलब कोई लाइगेंड आता है और यहाँ पे लाइगेंड कौन है बिंडिंग है, ठीक है बिंडिंग है, ठीक है बिंडिंग किसके ऊपर पाया जा रहा है, बिंडिंग पाया जा रहा है स्पर्म के ऊपर, और इसका एक्सपोजर कहां हो गया था जेली कोट में ही मेम्ब्रेन पे आया, और आने के बाद ये इसने EBR1 रिसेप्टर से बाइंड किया। जैसे ही ये EBR1 रिसेप्टर से बाइंड करता है ये मेम्ब्रेन में, किसकी मेम्ब्रेन में, एग की मेम्ब्रेन में, मतलब एग की मेम्ब्रेन में क्या करता है कि एग की मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिव कर देता है, फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिव कर देता है। और इसके बाद जैसे ही EBR1 मेम्ब्रेन से बाइंड करता है उसके बाद क्या होता है फॉस्फोलाइपेज सी क्या होता है, फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिव होता है। जब फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिव होता है तो ये क्या करता है मेम्ब्रेन पे पाए जाने वाले फॉस्फोइनोसिटॉल फॉस्फेट को क्या करता है, मतलब कि आपको ये पता है कि ये सब मेम्ब्रेन के कॉम्पोनेंट है PIP2, तो जब PIP2 को एक्टिव कर मतलब क्लीव करा देता है, यहां पर ये PIP2 आप देख रहे हैं फॉस्फोलाइपेज सी, ठीक है फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिव हुआ, इसने क्या किया PIP2 को क्लीव कराया, PIP2 जब क्लीव हुआ तो इसके दो स्ट्रक्चर बने, एक IP3 बना और दूसरा DAG बना। IP3 ने क्या किया कि IP3 ने IP पाथवे को एक्टिवेट कराया। IP पाथवे का काम क्या है कि ER मेम्ब्रेन पर जो कैल्शियम आयन चैनल हैं उनके ऊपर जाके ये IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल खुल गया, कैल्शियम आयन बाहर आए, जब कैल्शियम आयन बाहर आए तो इसने कराया कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस, मतलब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस को एक्टिवेट करा दिया कैल्शियम आयन ने। दूसरी तरफ कैल्शियम आयन ने क्या किया कि दूसरी तरफ कैल्शियम आयन और डैग ने दोनों ने मिलकर एक और मेम्ब्रेन पर पाया जाता है ये सोडियम आयन चैनल, ठीक है सोडियम चैनल नहीं पंप है, सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप है, इस पंप को एक्टिवेट करा दिया किसने, ये रिलीज हुए कैल्शियम आयन ने और साथ में डैग ने, दोनों ने मिलके इस सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप को एक्टिव कराया। जब ये पंप एक्टिव होता है तो एग के अंदर से H+ बाहर जाते हैं और सोडियम आयन अंदर आते हैं, क्योंकि अभी भी ये का है सी में ही तो हो रहा है, तो सोडियम आयन बाहर तो है तो अंदर आया। जब सोडियम आयन अंदर आएगा तो pH क्या हो रहा है, pH इंक्रीज हो रहा है, मतलब pH बेसिक साइड की तरफ जा रहा है, एल्कलिनिटी बढ़ रही है, और जब ये एल्कलाइन होता है तो आगे चल के, अब अगर भाई आगे चल के तो फर्टिलाइजेशन होना है ना, फर्टिलाइजेशन होगा तो जायगोट बनेगा, जायगोट बनेगा तो आगे फिर क्या होगा स्टिमुलेशन होगा, किसका सेल डिवीजन होगा, DNA सिंथेसिस होगी, RNA ट्रांसलेशन होगा, एक्ट एक्टिवेशन होगा, तो ये सारे प्रोसेस को जो इंक्रीज pH है वो एक्टिवेट करा देते हैं, मतलब कि ये सारे फेवरेबल कंडीशन है, एल्कलाइन कंडीशन इज फेवरेबल कंडीशन फॉर द जो भी जायगोट बनता है या ब्लास्टोमियर्स का जो फॉर्मेशन होगा उसके लिए क्या है कि ये उसके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स करता है, कौन जब सोडियम आयन बढ़ता है और कैल्शियम आयन भी ऑलरेडी इंट्रासेलुलर बढ़ाई हुआ है और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स किसकी वजह से हो रहे हैं कैल्शियम आयन की वजह से हो रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ कि इस कैल्शियम आयन ने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का एक्सोसाइटोसिस भी कराया, और तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन के लिए जो इनिशिएटर होता है वो क्या होता है कैल्शियम आयन होता है, जब कैल्शियम आयन एक्टिवेट करता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को तभी ये रिएक्शन होती है। दूसरी तरफ कैल्शियम आयन ने डैग के साथ मिलकर इस सोडियम और हाइड्रोजन पंप एक्सचेंज पंप को भी एक्टिवेट करा दिया, और इस तरह से क्या हुआ कि अंदर का pH क्या हो गया, अंदर का pH हो गया बेसिक, और बेसिक pH होने पे वो सपोर्ट करता है सेल डिवीजन को, DNA सिंथेसिस को, RNA ट्रांसलेशन को, क्योंकि अब तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो आगे चल के जायगोट बनेगा, जायगोट में सेल डिवीजन होगा, तो ये सारे प्रोसेस उसी के लिए फेवरेबल हैं, उसी कंडीशन के लिए, तो ये प्रोसेस है। इतना भी समझ में आया,
इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर से सुन लीजिए कि एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, जब स्पर्म बाइंड करता है तो फॉस्फोलाइपेज एक्टिवेट होता है, और फॉस्फोलाइपेज जब एक्टिवेट होगा तो PIP2 क्या हो जाएगा, PIP2 क्लीव हो जाएगा। PIP2 क्या है, फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल 4,5-bisphosphate, है ना, ये आप लोगों को पता होगा कि फॉस्फोटाइडल इनोसिटॉल 4,5-bisphosphate को PIP2 कहते हैं। ये एक फॉस्फोलिपिड है, ठीक है, जिसमें फॉस्फोटाइडिक बैकबोन होती है। ये जो ये क्या है, ये देखिए इसके दो कंपोनेंट है, एक डैग है और एक IP3 है। जब ये फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिव होता है तो ये डैग और IP3 को क्लीव करा देता है। तो डैग तो मेम्ब्रेन में, क्योंकि डाइएसाइल ग्लिसरॉल है तो ये तो यहीं पे अटैच रहता है, लेकिन जो IP3 है वो रिलीज होके क्या करता है, IP3 पाथवे को एक्टिवेट कर देता है। और IP3 पाथवे जो ER मेम्ब्रेन पर चैनल पाया जाता है, कैल्शियम आयन चैनल, उसको ओपन कर देता है, क्योंकि वो चैनल कैसा होता है, IP3 गेटेड कैल्शियम आयन चैनल होता है, और वो खुल जाता है। जब खुलता है तो इंट्रासेलुलर, आपको पता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है और कैल्शियम आयन रिलीज हो जाते हैं। जब कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं तो क्या हो जाता है कि यहाँ पे बेसिकली ये जो कैल्शियम आयन है ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन को इनिशिएट करा देते हैं। एक तो ये काम हो गया, और दूसरी तरफ क्या होता है कि ये कैल्शियम आयन और डैग दोनों मिलकर इस सोडियम पोटेशियम पंप को, सॉरी सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंज पंप को खोल देते हैं, जिससे क्या होता है कि सोडियम आयन अंदर आता है। जब सोडियम आयन अंदर आएगा और कैल्शियम भी ऑलरेडी अंदर जाता है तो यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, पीएच बढ़ेगा और एल्कलिनिटी शो होगी, और ये कंडीशंस फेवरेबल होती है सेल डिवीजन के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए, आरएनए ट्रांसलेशन के लिए। इसी को कहा जाता है एग एक्टिवेशन, एग का एक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है, जो मतलब आगे चल के ब्लास्टोमियास का जो फॉर्मेशन करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग ये जो अभी तक हम लोग बार बार ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस सुन रहे हैं, अब भाई इसकी भी बात कर लेते हैं कि ये होता क्या है। ये तो समझ में आ गया कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस इनिशिएट होती है कैल्शियम आयन से, और कैल्शियम आयन कैसे इनिशिएट करते हैं ये भी आपने, कैसे मतलब बढ़ रहे हैं इंट्रासेलुलर ये भी आपने जान लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमने अभी आपको बताया है वही सब लिखा हुआ है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं किसके, एग के अंदर, वो अप्रोक्सीमेटली 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। जैसे सपोज ये एग है तो एग के अंदर 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और ऑन हाई कैल्शियम आयन इन्वायरमेंट कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स फ्यूजेस एंड रिलीज देयर कंटेंट, अ वेव ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक्सोसाइटोसिस प्रोपोगेट थ्रू आउट द मेम्ब्रेन। कहने का मतलब ये कि जब स्पर्म एग से फ्यूज करता है, एक मिनट, जब स्पर्म एग से फ्यूज करता है तो उस समय क्या हो जाता है कि फ्यूजन हो गया, कैल्शियम आयन जैसे ही फ्यूज हुआ तो हमने बताया कि जो इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन है वो बाहर आ गए। जब बाहर आ गए तो क्या हुआ कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन शुरू, जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे वो सारे अपने कंटेंट को रिलीज कर देंगे, और रिलीज करने के बाद ऐसा एक तरफ से शुरू होगा, पूरी एग मेम्ब्रेन के चारों तरफ एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, मतलब प्रोपोगेट करेगा कैल्शियम आयन और पूरा थ्रू आउट द मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि आगे कोई स्पर्म उससे फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि एग के अंदर की मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया है। अब कैसे चेंज हुआ है, अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, का ही हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिया है। ये क्या है, ये है विटलाइन मेम्ब्रेन एनवेलप, जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये क्या है, विटलाइन एनवेलप। अच्छा, अभी तक जितना बताया उतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अब यहां पे देखिए ये क्या है, ये एक तरीके से स्ट्रक्चर बनाया गया है मींस एग मेम्ब्रेन का, और उसमें ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, ये है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं, ये विटलाइन एनवेलप है। इसके बाद यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एग की, कुछ ब्लैक कलर की जो हमने ड्रॉ की है वो आप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे रेड रेड कलर के दिख रहे हैं ये हैं एक्टिन, ठीक है, ये क्या है, एक्टिन फिलामेंट है, माइक्रोफिलामेंट, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये स्पर्म है, इसके ऊपर कुछ पाए जाते हैं माइक्रोविलाई, जिनसे
या आप कह सकते हैं कि कुछ स्पर्मोफिलिक साइट्स होंगी स्पर्म को बाइंड करने के लिए मेम्ब्रेन पर, तो वो बाइंड करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बाइंडिंग शो हो रही, जैसे ही एक स्पर्म बाइंड करा मतलब फ्यूजन जैसे ही होना शुरू हुआ, वैसे ही क्या हुआ कि कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन देखिए यहाँ पे शुरू होना शुरू, मतलब कि जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे ये यहाँ पे अभी ऐसे मतलब दूर दूर ऐसे अपने एग मेम्ब्रेन में जैसे हमने बताया था कि ऐसे रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही फ्यूजन हुआ तो ये देखिए थोड़ा लिटिल बिट इस तरफ को शिफ्ट हुए, है ना, ये मेम्ब्रेन की तरफ जो कि अभी एक्सोसाइटोप्लाज्म में थे वो थोड़ा मेम्ब्रेन की तरफ शिफ्टिंग हो रही है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स ये शिफ्टिंग हुई। शिफ्टिंग होने के बाद ये क्या कर रहे हैं कि ये देखिए फ्यूज हो रहे हैं, और फ्यूज होने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब इसके बाद जब ये वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे तो ये स्ट्रक्चर से फिर स्पर्म बाइंड नहीं कर सकता है, ठीक। पहला स्पर्म तो बाइंड कर लिया, इसके बाद दूसरा स्पर्म नहीं बाइंड कर पाएगा क्योंकि यहां पे एक हार्डन स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे कि आगे कोई स्पर्म बाइंड नहीं कर सकता है। अब इस कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन में होता क्या क्या, मतलब कि अब बेसिकली अब आपने यहां पे देख लिया कि यहां पे क्या हो रहा है, कंटेंट इसके अंदर जो कंटेंट भरा है उसको रिलीज कर दिया जा रहा है यही मेम्ब्रेन में, विटलाइन एनवलप में एक तरीके से यहां पे क्या हो रहा है रिलीज कर दिया जा रहा है, और यहां का स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। अब जब यहां का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो अब दूसरा स्पर्म यहां पे फ्यूज नहीं कर पाएगा। तो अब इसमें क्या क्या चीजें होती, पहला कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन जब होती है तो उसमें कुछ प्रोटीएज एंजाइम रिलीज होते हैं क्योंकि वो ग्रेन्यूल्स हैं, इस तरह के ग्रेन्यूल्स हैं इनके अंदर होता है प्रोटीएज एंजाइम। जो प्रोटीएज एंजाइम होता है वो सीरीन प्रोटीएज होता है, ये क्या करता है मेम्ब्रेन से या विटलाइन एनवलप से कुछ कनेक्टेड प्रोटीन होती है उसको क्या कर देता है, उसको डिजोल्व कर देता है। तो जब वो जैसे ये एग है, एग में एक मिनट, ये एग है और इस एग में क्या हो रहा है कि यहां पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन शुरू हो गई, तो कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स थे वो रिलीज अपना कंटेंट रिलीज किया, कंटेंट रिलीज करने के बाद इसके कंटेंट में एक भरा हुआ है प्रोटीएज, ठीक है, एक प्रोटीएज एंजाइम है जो कि सीरीन प्रोटीएजेस होते हैं, वो क्या करेंगे मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन्स को डिसॉल्व कर देंगे, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या होता है कि जो ये ग्रेन्यूल्स होते हैं इनके ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड को रिलीज करते हैं, जब ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड को रिलीज करते हैं तो क्या होता है कि जैसे यहां पे आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड को यहां पे रिलीज करेंगे, जब यहां पे म्यूकोपॉलीसेक्राइड रिलीज होगा तो यहां का ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा, और जब ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो वॉटर होगा यहां पर फिल हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। पहला तो क्या हुआ कि जो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे इनके अंदर थे प्रोटीएज, प्रोटीएज का काम क्या है प्रोटीन को क्लीव करना, तो मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन को ये डिसॉल्व कर देता है, पहला। दूसरा क्या करता है कि इन कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स में पाए जाते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड जब यहां पे रिलीज होंगे तो यहां का ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कहीं का भी ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहिए या सॉल्यूट पोटेंशियल कहिए बढ़ जाएगा तो वो क्या करेगा, वो बाहर से वाटर को यहां पर लाने की कोशिश करेगा, यहां पर वाटर फिल हो जाएगा, वाटर की एक लेयरिंग हो जाएगी इस एनवेलप में, ठीक है। दूसरा चीज ये हो गया। अब म्यूकोपॉलीसेक्राइड रिलीज बाय द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रोड्यूस एन osmotic gradient that causes seawater to enter into space between plasma membrane and vitreline envelope. Vitreline envelope और इसके बीच में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस है वहां पे क्या हो जाएगा, सी वाटर अंदर आके फिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये चीज हो गई। अब इसके बाद दूसरा चीज क्या हो जाएगा, अब सी वाटर फिल हो गया तो वैसे भी सी वाटर के पास सोडियम आयन भी बहुत ज्यादा है, पहली बात, लेकिन खैर यहां सोडियम आयन से मतलब नहीं क्योंकि यहां तो हम लोग स्लो ब्लॉक की बात कर रहे हैं पॉलीस्पर्मी की, तो वाटर फिलिंग की वजह से भी स्पर्म एक्सेसिबल नहीं होगा उस मेम्ब्रेन से। फिर दूसरा तीसरा क्या रीजन है कि उसी जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है उसके अंदर पाए जाते हैं कुछ परोक्सीडेज, परोक्सीडेज एंजाइम जो कि क्या करते हैं हार्ड कर देते हैं फर्टिलाइजेशन इनवेलप को, जो पहली बार स्पर्म फ्यूज कर चुका है और वो फर्टिलाइजेशन इनवेलप बन जाता है तो या विटलाइन इनवेलप जिसको कहते हैं वो परोक्सीडेज की वजह से हार्ड हो जाता है।
और जब वो हार्ड होता है तो उस पे जो स्पर्म बाइंड भी किए हुए होते हैं वो भी उसको एग को छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। और वो हार्डनिंग जो होती है वो किससे होती है? हाइलिन। हाइलिन एक प्रोटीन है जो कि ग्लास लाइक प्रोटीन, मतलब उसका स्ट्रक्चर ग्लास लाइक होता है, मतलब बहुत शाइनी ग्लास लाइक हाइलिन प्रोटीन होती है। वो एक कोटिंग बना लेती है चारों तरफ एग के, और उस कोटिंग की वजह से क्या होता है कि वो जो लेयर होती है वो उससे वो हाइलिन इतना हार्ड होता है कि उससे स्पर्म अगर बाउंड भी है तो वो छोड़ देगा, ठीक है, जो कि सेकंड मतलब स्पर्म होगा वो छोड़ देगा। और दूसरी बात, जो हाइलिन है आगे चल के वो ब्लास्टोमियर्स के डिवीजन को सपोर्ट करता है, इनिशिएट कराता है डीएनए रेप्लिकेशन को, प्रोटीन सिंथेसिस को, क्योंकि अब तो जायगोट बन गया है ना, एक स्पर्म ने एग से फ्यूजन कर लिया है तो जायगोट बन गया, तो आगे चल के तो इसको यही सब करना है ना, ब्लास्टोमियर्स बनाने, तो ये हाइलिन इस चीज को भी सपोर्ट करता है। तो इस तरह से पूरा इसकी स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी को रोका जाता है। अब यहां पे एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए कि पहला क्या हो गया कि यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स इस तरह से स्ट्रक्चर में अरेंज हैं। जैसे ही पहला स्पर्म फ्यूज करता है वैसे ही क्या होगा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन शुरू होती है। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन रिलीज करती है प्रोटीएज को, प्रोटीएज मेम्ब्रेन में पाए जाने वाले प्रोटीन को डिग्रेड कर देती है, पहला स्ट्रक्चर डिस्टर्बेंस। दूसरा, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स रिलीज करती है म्यूकोपॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड यहाँ पे फर्टिलाइजेशन सॉरी माइक्रो विटलाइन इनवलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ा देती है, जिसकी वजह से वहां पे वाटर सी से वाटर यहां पे फिल हो जाता है। दूसरी चीज ये होगी। तीसरा, पेरोक्सीडेज। पेरोक्सीडेज की वजह से ये मेम्ब्रेन को फर्टिलाइजेशन जो इन्वेलप होता है या विटलाइन मेम्ब्रेन उसको हार्ड कर देती है। हार्ड होने का रीजन क्या है? हाइलिन का फॉर्मेशन हो जाता है, और हाइलिन क्या है, एक ग्लास लाइक प्रोटीन होती है, मतलब उसका नेचर है, आप उसको ग्लास मत समझ लीजिएगा, ठीक है, नेचर होता है ग्लास लाइक है, तो वो प्रोटीन की वजह से ऐसा हो जाता है। और आगे चल के ये स्ट्रक्चर जो बन गया है, ये स्ट्रक्चर आगे के फेजेस के लिए तो बहुत सपोर्टिव है, लेकिन दूसरे स्पर्म के बाइंड करने के लिए ये वाला स्ट्रक्चर फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये पूरा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो ठीक, जब यहां पे हम लोग देख रहे थे इस वाले स्ट्रक्चर में, तो देखिए यहां पे वही चीज हो रही है, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन इस तरह से होना शुरू होती है और ये पूरी वेव ऐसे करके पूरे एग में रन कर जाती है, ठीक है, जैसे एक जगह से शुरू हुई कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन, यहां से शुरू होना शुरू हुई, आप यहां पर देख भी पा रहे होंगे कि यहां पे शुरू होना हुई, अब ये पूरे एग में ऐसे करके पूरा रन कर जाएगी, पूरा जैसे गोल ये एग है, एक जगह शुरू हुई पूरे उसमें एग में रन कर जाएगी, और फिर कोई भी स्पर्म सेकेंड स्पर्म इसमें नहीं बाइंड कर पाएगा और पॉलीस्पर्मी ब्लॉक हो जाएगी। ठीक, इतना समझ में आ गया सबको, यही है स्लो ब्लॉक टू पॉली।